नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। विराटपुर पंचायत में है और एक बार फिर यहां पर गंगा जमुना तहजीब देखने को मिल रही है। चुनावी मैदान में मुसरत खातून एक बार फिर है, जो निवर्तमान समय की मुखिया हैं, और हमारे साथ हासिरुद्दीन साहब जुड़ेंगे। उनके पति हैं और 5 सालों तक इस पंचायत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। पहले भी मुलाकात हुई है और अभी चुनावी दौर है। चुनावी दौर में तमाम कार्यकर्ता इनके साथ हैं और प्रचार प्रसार जारी है। तमाम जगहों पर गाँव में जाकर लोगों से डोर टू डोर ये अपील की जा रही है कि अपने पंचायत के पुनः विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए एक बार फिर मुसरत खातून को चुना जाए। हासिरुद्दीन साहब, 5 साल तक तो जनता ने साथ दे दिया, इस बार क्या उम्मीद है? चुनावी मैदान में हैं आप, फिर गंगी जमुनी तहजीब से जो है सो हम चुनाव जीतेंगे। एक तरफ विराटपुर को जब हम देखते हैं तो यहाँ की आबादी, और जो कहते हैं कि जातिवाद पर वोट होता है बिहार में, आप मुखिया बन जाते हैं, क्या लगता है इसके लिए क्या अपील है आपके क्षेत्रवासियों? ये अपील है कि हम जो है सो 40 वोटर हैं, हम सब जो है सो जितने गंगी जमुनी तहजीब है सब चाहते हैं हमको, हम जो है सो कंधे में कंधे मिला के चलते हैं, सबके साथ चलते हैं, सबके विकास के ऊपर चलते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो है, चुनावी सिंबल मिला है आपको टेम्पू छाप, और प्रचार भी टेम्पू से धरल्ले से चल रहा है पूरे क्षेत्र में। लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब हमने अपने मुखिया को चुना, जब हमने मुसरत खातून को चुना, काम बहुत हुए, और पिछले बार की तरह ही कुछ काम अधूरे भी है। क्या संकल्प देंगे आज, क्या क्षेत्रवासियों को आप बताने की कोशिश करेंगे? अधूरे काम को पूरे करेंगे, और जहां और ज्यादा जितना बेहतर होगा उतना हम जो है सो काम करेंगे। अधूरे काम पूरे होंगे और जितना बेहतर होगा उतना बेहतर कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। और लोग हैं, जान लेते हैं। आप बताइए सर, कौन बेस्ट उम्मीदवार आप लोगों को नजर आ रहा है इस बार? बेस्ट उम्मीदवार यहां मुसरत खातून है और दोबारा फिर आ रहा है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों आप लोग मानते हैं? पूरे क्षेत्र में विकास किया है, हर वार्ड में विकास किया है, हर जगह विकास किया है। विराटपुर के बारे में जब हम जानते हैं, सोचते हैं, तो लोग कहते हैं कि यहाँ का मुखिया जो है एक माइनॉरिटी से अभी सिलेक्ट करके हमने दिया हुआ है। आप लोग क्या मानते हैं, जात पात की राजनीति? यहाँ कोई जात पात की राजनीति नहीं है, यहाँ जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। क्या विकास हुआ, क्या विकास? देखिए, हम लोग 5 साल के रीजन में हर घर घर जाके और जनता के समक्ष सारे योजना को रखा, और जनता जो ही बोला वहाँ हम लोग वह काम किया। आप क्या मानते हैं, आपको लगता है कि काम हुआ? हाँ, काम पूरा पंचायत में हो रहा है, होगा फिर होगा। पंचायत के और लोग जो जिन्हें बरगलाने की कोशिश विरोधी, गुंडागर्दी होता है, गुंडागर्दी की, मुसलमान है, हम लोग हिंदू है, हिंदू नहीं है, यहाँ मुसलमान नहीं है, यहाँ हम लोग एक है। बिल्कुल, जाति पाति से ऊपर उठकर यहाँ पर मतदान होना है, और एक बार फिर यहाँ गंगा जमुना तहजीब के तहत मुसरत खातून, जिनके पति का नाम है हासिरुद्दीन, और चुनावी सिंबल है जो 4 नंबर पर आपको मिलेगा। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन एक बार इनका चुनावी सिंबल भी दिखा दे। क्रमांक संख्या 4 है और टेम्पू छाप है। हासिरुद्दीन जी ने अपील की है यहाँ के तमाम जनता से कि वो पुनः एक बार इन्हें मुखिया बनाए। एक बार फिर अगर जनता का समर्थन आपको मिलता है, जिस तरह की हवा चल रही है क्षेत्र में, आप क्या प्राथमिकता लेकर चल रहे हैं विराटपुर के लिए इस बार? उससे ज्यादा बेहतर विकास करेंगे हम, हर एक चीज पे जो है सो ध्यान रखेंगे, जो छूट गया है उसको पूरा करेंगे। जो लोग नाराज हैं आपसे, नाराज जो लोग हैं उनको कैसे मनाएंगे? नाराज आदमी को भी जो है सो मनाएंगे, वैसे जो है सो मतलब जब पूरे बिहार में जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो तो जो है सो मतलब पूरा कर नहीं कर सकते हैं, तो एक पंचायत की मुखिया का क्या हैसियत है कि सब? बिल्कुल, देखिए, और स्पष्ट इस आकलन पर आए हैं कि 5 साल में पंचायत का पूर्ण विकास संभव नहीं है। जितना संभव था वो काम हासिरुद्दीन जी कह रहे हैं कि हमने किया है। सोचने समझने वाली बात है, जनता को भी आप पर समझने की जरूरत है कि 5 साल में आपका हर काम नहीं हो सकता है। बहुत लोग इसी पंचायत के हमें मिले जिन्होंने कहा कि आवास हमें नहीं मिला है, तो मुखिया जी आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी अधूरे काम हैं वो पूर्ण जल्द से जल्द होंगे। जितनी जल्दी इनको ताज मिलेगी शपथ ग्रहण के बाद, धीरे धीरे इन प्रयासों में ये लग जाएंगे।
हालांकि जनता जनार्दन है और हम एज एन मीडिया किसी के लिए वोट की अपील नहीं कर रहे हैं। जनता का रुख किस ओर जाएगा ये जनता भली भांति जानती है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर, कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ कुमार। नमस्कार। बिहार में अब छठे चरण के लिए मतदान होना है जिसकी तारीख 3 नवंबर तय की गई है और हम हर गांव, हर कस्बे और हर चौक चौराहे पर लगातार जनता का मूड टटोलने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ प्रत्याशियों से भी बातचीत होती है। इस वक्त प्रत्याशी हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन प्रत्याशी के प्रतिनिधि कविंद्र जी हैं। इनकी माता जी हैं सुशीला देवी, जो अतलखा पंचायत यानी कि सोनबरसा ब्लॉक अतलखा पंचायत से चुनावी मैदान में है जन मुखिया। बहुत बहुत स्वागत कविंद्र जी। बड़ा घूम रहे हैं, युवा हैं और युवा इस बार बड़ा निर्णायक साबित हो रहा है। 80% वर्तमान मुखिया जो है वो चुनाव हार रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस बार आप लोगों के लिए चांस है क्या? बिल्कुल, अतलखा पंचायत की तमाम जनता परिवर्तन के मूड में है। ठीक, और 5 साल इसको देखे हैं, 5 साल पिछले भी बार देखे हैं, इनके प्रति पूरा निराश थे, तो नया प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। मेरी माँ जो है पिछले बार भी खड़ी थी और इस बार भी है, और मेरे पिताजी 40 साल से जनता की सेवा करते आ रहे हैं, अभी भी पोस्टर देखिए इधर, बिल्कुल हम फिर आएंगे कविंद्र जी के पास। ये पोस्टर है और इसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 ग्राम पंचायत अतलखा से मुखिया पद के नेक लिखा है इन्होंने, कर्मठ लिखा है सुयोग, और संघर्षशील समाज प्रिय और लोकप्रिय महिला उम्मीदवार सुशीला देवी। अच्छा, ये टैगलाइन आपको हर जगह दिखता है जी, जी। कोई भी प्रत्याशी हो, 10वीं फेल हो, 5वीं फेल हो, अपने आप को शिक्षित जरूर लिख देता है। आप क्या मानते हैं, जनता कैसे इन बहकावों में ना आके एक सुयोग्य और निष्पक्ष साथ में ईमानदार उम्मीदवार को चुने? बिल्कुल, जो 40 साल से मैं जनता की सेवा ही करते आ रहे हैं और देख रहे हैं कि जनार्दन यादव नहीं रहते हुए भी समाज की सेवा में लगातार बने हुए हैं, चाहे जो भी आए उसको निराश नहीं करते, हमसे जो भी है नहीं करते हैं। चलिए, आप तो कैंडिडेट वाली बात बोल रहे हैं, जनता भी है, जनता से भी जान लेते हैं, इनको काहे वोट दीजिएगा आप? अगर मान लीजिए इनको देना होगा आपको सुशीला देवी को वोट, तो क्यों देंगे? अतलखा पंचायत में ऐसा क्या बेहतर ये कर सकते हैं? कैंडिडेट ना रहने के बाद भी ये काम करता है। क्या काम आप लोगों के लिए, मान के चलिए आम काम रहता है, उसमें बुलाते हैं, आता है, हर काम में ये काम आता है, हर काम में आते हैं। आप लोग भी घूम रहे हैं साथ में ही, कैसा जनता का हवा जा रहा है? और आप किसको घूम तो सब सबके साथ रहा है, घर किसी का भी हो पोस्टर हमको लगाने दो, चलता है ही, सबके घर पे सबका पोस्टर हम देखे हैं लगल रहता है। वोट कैसे जाएगा? वोट बहुत अच्छा जाएगा सर। क्या बेहतर है आपके उम्मीदवार में? बहुत अच्छा है, बेहतर मतलब सब चीज जी जी, मतलब प्रत्याशी पहले अभी नया है और बस काम नहीं करने पर भी इसका मतलब सब कुछ काम नहीं करने पर भी। अच्छा, हमारे साथ कविंद्र जी थे, कविंद्र जी से मैं फिर जुड़ूंगा। कविंद्र जी, ज़्यादातर महिला उम्मीदवार जो है जब चुनाव जीत जाती है तो उनका काम या तो उनका बेटा देखता है, पति देखता है, या देवर देखने लग जाता है। आप लोग भी ऐसा ही कुछ करेंगे या महिला उम्मीदवार है तो महिला काम जीत सकती है? नहीं, मेरी माँ काबिलियत है कि वो सारा काम, मेरी माँ सक्षम है। ठीक, मेरी माँ भी समाज सेवी है और लगातार आप जाकर के पूछ लीजिए जहाँ मेरी माँ है, जिस वार्ड में हम रहते हैं उस वार्ड के अगल बगल, क्या उस मैंने 4-5 वार्ड तक मेरी माँ को जो जानती है, मैंने जो भी जानते हैं सबको पूछ लीजिएगा, जो भी उनसे होता है हेल्प करने के लिए। क्या अपील कीजिएगा आप अतलखा पंचायत की जनता से इस बार निष्पक्ष तौर पर वोटिंग के लिए? बिल्कुल, अतलखा की तमाम जनता से अनुरोध है कि जो संघर्षशील, जो समाज से भी है, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उस आदमी को चुने जो उसके हित में काम करे, हित में जो काम करे। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अगर अपील कर रहे हैं जनता से तो जनता को समझ में आ रही है आप लोगों की अपील? बिल्कुल समझ में आ रही है जनता को, हम लोग की अपील समझ में आ रही है। जनता भी देख रहे हैं कि जो संघर्षशील है, मतलब जो वर्क करने वाले हैं उसको ही इस बार। बिल्कुल, आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो काम विकास के जो
मिलने चाहिए थे इस क्षेत्र को, वो मिला, लेकिन पूर्ण रूप से अभी विकास नहीं हो पाया है और यही मुद्दा नए कैंडिडेट बनाते हैं। अब एक प्रत्याशी सुशीला देवी के प्रतिनिधि कविंद्र जी हमारे साथ थे, जो उनके सुपुत्र हैं और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस बार अतलखा का मूड बदलने वाला है, यहाँ का रुख चेंज होने वाला है। ये मानते हैं युवा नेतृत्व के साथ इन लोगों के सहयोग से इनकी माता जी अतलखा पंचायत का बेहतरीन विकास कर सकती है। देखने वाली बात है, जनता जनार्दन है और जनता इस चुनाव में अपना मत का सही उपयोग करेगी। किसे जिताना है, किसे हराना है, जनता सब जानती है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, सभी जनता को मालूम है कि किसे हमको जिताना है और किसे हराना है। ठीक है कविंद्र जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी। जो अच्छा उम्मीदवार लगे आप उसे चुने, कोई इसमें भेदभाव ना करे, जो ईमानदार लगे उसे चुने, तभी जाके आपके पंचायत का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।